नमस्कार, मैं डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल, कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़। आज हम एक बहुत ही कॉमन सवाल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या डायबिटीज के मरीज नी रीसर्फेसिंग या नी रिप्लेसमेंट सेफली करवा सकते हैं? क्या डायबिटीज से ऑपरेशन का रिस्क बढ़ जाता है? जब घुटनों के आर्थराइटिस के कारण मरीज का चलना फिरना, सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो नी रीसर्फेसिंग या नी रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन से मरीज की जिंदगी बदल जाती है। लेकिन जैसे हर छोटे बड़े ऑपरेशन के रिस्क होते हैं, इस ऑपरेशन के भी कुछ रिस्क होते हैं जो कि डायबिटीज़ के मरीजों में नॉर्मल से थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। इन रिस्क के बारे में जानकारी होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीजों में घुटने का आर्थराइटिस भी हो सकता है और उनको घुटने के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। हम रूटीनली शुगर के मरीजों के घुटने का ऑपरेशन करते हैं और सारे पेशेंट्स बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के रिकवर कर जाते हैं। 2009 और 2014 में अमेरिका और चाइना की मेडिकल स्टडीज़ के रिजल्ट्स के मुताबिक डायबिटीज़ के मरीजों में जॉइंट रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि इन्फेक्शन, स्ट्रोक, ब्लड क्लॉट्स, फ्रैक्चर या इम्प्लांट लूजनिंग इत्यादि। और इन सब कॉम्प्लिकेशंस का कारण है हाई ब्लड शुगर लेवल या डायबिटीज़ का आउट ऑफ कंट्रोल होना। ये समझना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ का होना हानिकारक नहीं है, उसका ध्यान न देना और ब्लड शुगर लेवल हाई रहना ये चीज़ ज़्यादा नुकसानदायक है। लेकिन 2013 में अमेरिका में ही एक और बड़ी मेडिकल स्टडी की गई जिसमें 40,000 मरीजों को शामिल किया गया था। इस मेडिकल स्टडी के मुताबिक शुगर के मरीजों को जॉइंट रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन टालने या पोस्टपोन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस स्टडी में यह भी बताया गया था कि ब्लड शुगर लेवल का एक लिमिट में रहना आवश्यक है। जब भी किसी डायबिटिक पेशेंट को घुटने की ऑपरेशन की सलाह दी गई हो तो उसे अपने सर्जन और शुगर के डॉक्टर दोनों से डिस्कस करना चाहिए और उनसे मिलकर एक प्लान बनाना चाहिए जिससे कि ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के दौरान, अस्पताल में भर्ती के दौरान और ऑपरेशन के बाद डिस्चार्ज के बाद मरीज का ब्लड शुगर लेवल सही तरीके से दवाइयों या इंसुलिन इंजेक्शन से कंट्रोल किया जा सके। अगर मरीज का शुगर लेवल ठीक रहता है तो उसे ऑपरेशन को पोस्टपोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही घबराने की कोई ज़रूरत है। ऑपरेशन के बाद क्योंकि मरीज आसानी से चल फिर सकता है, अपनी रोज़ाना सैर शुरू कर सकता है, तो धीरे धीरे शुगर लेवल अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाते हैं और दवाइयों की भी कम ज़रूरत पड़ती है। मेरे खुद के अनुभव के मुताबिक, बहुत सारे शुगर के मरीजों का ऑपरेशन करने के मुताबिक, डायबिटिक मरीजों को घुटने के ऑपरेशन करवाने से नहीं डरना चाहिए और अपने सर्जन से मिलकर, अपने शुगर के डॉक्टर से मिलकर इस ऑपरेशन को प्लान करना चाहिए। डायबिटीज़ और नी रीसर्फेसिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़ में मिल सकते हैं। थैंक यू।